मुस्लिम प्रिंसिपल ने नौकरी को मारी लात, हिजाब हटाने से किया इनकार। आइए बताते हैं पूरी खबर। एक हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला महाराष्ट्र के एक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने कैंपस में हिजाब पहनने के लिए प्रताड़ित करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम मिरर की रिपोर्ट में कहा गया है कि विरार में VIVA कॉलेज ऑफ लॉ का नेतृत्व करने वाली एक हिजाब पहने दाऊदी बोहरा डॉक्टर बट्टुल हमीद ने अपने इस्तीफे पत्र में आरोप लगाया कि संस्था में एक असहज और घुटन का माहौल बनाया गया था। बट्टुल ने कहा कि जुलाई 2019 में कॉलेज में शामिल होने के बाद पिछले दो वर्षों में स्थिति सामान्य थी। हालांकि हिजाब विवाद के बाद प्रबंधन में लोगों द्वारा उन्हें कथित रूप से परेशान किया गया था। मुस्लिम मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ दिन पहले उनके समुदाय के कुछ सदस्य एडमिशन के बारे में पूछताछ करने के लिए संस्थान में आए थे, जिसके बाद प्रबंधन ने उन पर परिसर में उनके धर्म के प्रचार में शामिल होने का आरोप लगाया। मुस्लिम मिरर के मुताबिक मुस्लिम प्रिंसिपल ने बताया कि वो परिसर में हल्दी कुमकुम मनाते हैं और सरस्वती वंदना का आयोजन करते हैं। क्या ये धार्मिक गतिविधियां नहीं है? बस कुछ ही लोग मुझसे मिलने आए, मुझे सम्मान दिया और ये उनके लिए एक मुद्दा बन गया। प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित उत्पीड़न बट्टुल का मानना था कि उसे किसी न किसी कारण से निकाल दिया जाएगा। थोड़ी देर में ऐसी स्थिति से बचने और अपनी गरिमा को बचाने के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। डॉक्टर बट्टुल हमीद ने मुस्लिम मिरर को बताया कि मैंने अपनी गरिमा और संस्कृति को बचाने के लिए इस्तीफा दिया है। उन्होंने आगे कहा, प्रबंधन द्वारा वर्षों से उनके काम और नेतृत्व की सराहना की गई है। मीडिया में ये खबर वायरल होने के बाद लोग इस पर लगातार टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, लो सच हो ही गया, धर्म से बड़ा कोई धंधा नहीं, मैं उन बहनों को दिल सक्रिय और सलाम करता हूँ। वहीं एक ने लिखा, महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है। वहीं एक ने लिखा, जाति और धर्म के नाम पर आप किसी को शक की निगाह से देखते हैं तो आप किसी धर्म में नहीं गिरोह में फंस गए हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, एक बड़ा सलाम देशभक्त और धार्मिक महिला को। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।